हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज पानीपत पहुंचे। पानीपत पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के बड़ौदा इलेक्शन में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल को जीतने पर मैं बधाई देता हूं। ये कहना गलत है कि गठबंधन की हार हुई है। गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। हम यह कह सकते हैं कि हम थोड़ा और मेहनत करते तो परिणामों को बदला जा सकता था। यह कांग्रेस की सीट थी, लोगों ने कांग्रेस को बरकरार कर रखा था। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से खूब मेहनत की। जहां तक आप सवाल कर रहे हैं कि जेजेबी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, यह ठीक नहीं है। 50,000 से ऊपर वोट मिलना यह दर्शाता है कि हमने खूब मेहनत की। हरियाणा के उद्योगों में 75% स्थानीय कर्मचारियों के लिए विधानसभा में पास बिल के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब आपकी इंडस्ट्री को एक निकली स्किल लेबर मिलेगी तो इसका फायदा झांकी उद्योग को मिलेगा। उद्योगों घरानों को हम ITI से जोड़ेंगे ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि औद्योगिक घरानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है, उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब आप घर में ही प्रशिक्षित लोग उन्हें इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री तरक्की कैसे करेगी और साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म होगी। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा सरकार प्रयासरत है और सभी विभागों में भ्रष्टाचार का जड़ मूल नाश कर सिस्टम को डिजिटल कर लोगों को राहत दिया जाएगा। चुनाव का परिणाम आया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए क्या संदेश? बड़ा अच्छा चुनाव रहा, बधाई देता हूँ इंदुराज को। जनमत उनके पक्ष में, योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है, बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, 50,000 क्रॉस। अगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए हैं तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से है। मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज़्यादा वोट डाले हैं और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया। याद है 2009 के अंदर जब इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध में 6,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला को जिताया था। ये तो समय की बात होती है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सीट थी, जनता ने कांग्रेस को दी। अगर गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती जब तो हम मानते हैं एक बदलाव लोगों ने चाहा। उनका पुराना ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, श्री कृष्ण हुड्डा तीन चुनाव वहाँ से जीते हैं, बाई इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तो बधाई दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बड़ौदा की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है सरकार के खिलाफ। अगर ये 50,000 वोटों को दीपेंद्र हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव कह रहे हैं तो उनका राजनीतिक गणित बहुत गलत है। यही बड़ौदे की जनता थी जिनने किसी टाइम पे कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराने का काम करी। चौधरी देवीलाल जी ने कृपाराम पूनिया से लेकर और रामफल चिड़ाना तक किसी को चुनाव लड़ाया हो उसको जिताया था। उसके बाद वही बड़ौदा ने श्री कृष्ण हुड्डा को, जो उस हल्के के नहीं थे, उनको भी जिताया। आज इंदुराज को कोई जानता था, वो कपूर नरवाल की मेहनत कहीं ना कहीं का फल आज इंदुराज ले गया। सर तो चुनाव परिणामों की बात है। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन के साथियों ने पूरी मेहनत करी और मेहनत लगन के साथ काम किया और उसी का नतीजा है कि 50,000 से अधिक वो बड़ौदा के अंदर गठबंधन। प्राइवेट सेक्टर में 75% जो जॉब कोटा वाली बात आ रही है, इंडस्ट्री से लोग लगातार विरोध करें, आज शंकाएं जता रहे हैं कि ग्रोथ रुक जाएगी, नई इंडस्ट्री आएगी नहीं। ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के अंदर उनको स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी,
हम प्रोवाइड करें। आप मुझे ये बताओ कि आपके कैमरामैन जो है, अगर हम स्किलिंग करके हरियाणा के बच्चों के हाथ में कैमरा दे देंगे तो आपको क्या सुविधा नहीं बढ़ेगी? अगर गेट का सिक्योरिटी गार्ड हरियाणा का होगा या ट्रैक्टर से लेकर गाड़ी तक का ड्राइवर हरियाणा का होगा तो सुविधा नहीं बढ़ेगी। और तो और, आपकी डाइंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हमारे ITIs के साथ टाई अप कर अगर हम लोकल स्किल्ड लेबर दे रहे, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का भला होगा। और इस बिल का भी यही उद्देश्य है कि हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर आय के साधन बढ़े, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप लोगों का जो रेजिडेंशियल कॉस्ट है दूसरे प्रदेशों के लोगों को लाकर यहाँ रुकवाने का, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन ना पड़े। और इसी सोच के साथ इस बिल को हमने इम्प्लीमेंट किया है। इंडस्ट्री के हर सेक्टर के हमने विचार लिए, और उसके बाद एक साल की मेहनत के बाद जब ये पूर्णतः सबको एक्सेप्टेबल था, तब हमने इसको विधानसभा में पारित किया। सर, पूरे हरियाणा से जानकारी आ रही है कि आपके पास लोग चिट्ठियाँ भेज रहे हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, और उसके लेकर सर क्या टीम गठित कर रहे हैं, क्या आप करेंगे सर? मैं तो इतना बता सकता हूँ, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फूड सप्लाईज हो, एक्साइज हो, हमने दिन प्रतिदिन कड़े कदम उठाए, और आने वाले समय के अंदर जरूरत पड़ेगी तो कड़ी कार्रवाई और भी करेगी। हमारा प्रयास है कि जो प्रथाएं पीछे रही है कि बाबू से लेकर अफसर तक फाइल को भी रोका जाता है, मैंने तो मेरे डिपार्टमेंट्स को डिजिटल करा है, अब उसके अंदर फाइल मूवमेंट भी ई फाइल के माध्यम से, मुझे लगता है धीरे धीरे बदलाव जो आएंगे, आप ई रजिस्ट्रेशन है सारा फॉर्म फिलमेंट से, आप किसी भी व्यक्ति को जाकर पूछो, आज आप कमेटी के अंदर कैसे टैक्स पे हो रहा है उनसे पूछो, पहले तो बाबू चक्कर कटवाते थे कि आपका टैक्स इतना बनता है, आज तो ऑनलाइन आदमी देखकर साथ के साथ जमा करा सकते हैं। ये जो बदलाव है ये समय के अनुसार थे, और मुझे लगता है हमारी सरकार ने मजबूती से, सर लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं तो महिलाएं उसमें 90-90-100 किलोमीटर ट्रांसफर पे हैं भाई, सरकार के पास 56 महकमे हैं और कुछ लोग 56 महकमों का हिस्सा है, मुझे तो पता नहीं आप किस एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन मंत्री से पूछो उनके। सर आखिरी सवाल है सर, बड़ौदा में युवा खुश हैं आपसे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग, आप सोशल पे चल रहा है कि दुष्यंत चौटाला को सर खड़ा करके सर